अब हम पूछेंगे सुरेश कलमाडी से पांच तीखे सवाल। सबसे पहला सच सच सीधा सवाल कि दिल्ली अपछता नहीं रहे कि रिग्रेट तो नहीं कर रहे कि दिल्ली के अलावा कहीं और कहते कॉमनवेल्थ गेम तो अच्छा होता? नहीं, दिल्ली एक शहर है जो जिसमें कॉमनवेल्थ गेम बढ़िया होगा, हो सकता है, हो सकता है, इस कैपिटल सिटी और इसके बाद टूरिज्म बहुत बढ़िया होगा, टूरिस्ट काफी आएंगे। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स इतना नीचे क्यों है, उसके पीछे आप जैसे पॉलिटिशियन जिम्मेवार हैं या टैलेंट का लैकिंग है, कमी है टैलेंट? देखो सब जिम्मेदार है, हम भी है, बट आई एम रेडी टेक माई शेयर ऑफ द ब्लेम, बट ये सबका है। आई मीन द स्पोर्ट्स कल्चर हैज बी देयर इन द कंट्री। जिम्मेवार कौन है भाई? एक एक व्यक्ति पे आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। नहीं, मैं व्यक्ति से कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी ऑफ पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट्स का टैलेंट की कमी है? टैलेंट तो बहुत है इस देश में, देश में टैलेंट बहुत है। मिसमैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स? नहीं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भी ठीक लोग हैं। तो नाउ फंडिंग, इंडस्ट्री हैज कम फॉरवर्ड विद लॉट ऑफ फंडिंग फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो वो होगा। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज कम फॉरवर्ड फॉर फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी क्रिएटेड, ये सब चीजें होनी चाहिए। स्कूल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपका कहना कि ये कि देश की स्पोर्ट्स की बदतर स्थिति के लिए पैसे की कमी जिम्मेवारी है? बिल्कुल वही है ना। अगर आप स्पोर्ट्स फेडरेशन में ओलंपिक्स नहीं होते, अगर हॉकी के प्रेसिडेंट आपको बना देते तो हॉकी कोई अच्छी स्थिति होती, कोई बेटर होती, सुरेश कलमाडी गिल की जगह होते तो क्या होता? मैं ओलंपिक का अध्यक्ष हुआ, ऑल स्पोर्ट्स कमांडर मी एक्सेप्ट क्रिकेट, तो मैं खुश हूं, और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का भी अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, मैं खुश हूं। तो अभी और कोई छोटे छोटे और कोई फेडरेशन में नहीं जा, वो तो हो गया ना, वो जो कहावत कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर अपना, तो तुम सबके मालिक हो, इसलिए किसी का कोई मालिक नहीं है, बटा बैठ रहा सबका। आपको नहीं लगता कि आपको एक स्पोर्ट्स का जिम्मेवारी लेनी चाहिए? मैं इलेक्ट होता हूं, नहीं मैं नहीं हूं, अब नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि लास्ट टू इलेक्शन आई फॉट फॉर ओलंपिक कमेटी, यूजली इलेक्शन वेरी बिटर, दे हैव बीन यूनैनिमस, सो सब लोगों ने यूनैनिमसली मुझे चूज किया, तो कुछ झगड़े वाली बात नहीं। अभी वातावरण बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स के लिए काफी कुछ हो सकता है। अच्छा एक बताओ देव से, तुम्हारा स्पोर्ट्स अपना अच्छा कौन था, तो विच स्पोर्ट्स यू प्रेफर? आई प्रेफर एथलेटिक्स, आई बीन द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स, बट आई प्लेड अ लॉट ऑफ स्क्वाश। नहीं नहीं, स्क्वाश अगर आपको कहना कि दिस इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स, वो सारे स्पोर्ट्स खत्म हो गए वो दूसरी बात है, पर फिर भी कह सकते कौन सा स्पोर्ट्स आपका अच्छा है, विच यू लाइक फ्रॉम योर आर्ट? एथलेटिक्स, बिकॉज For all sports, athletics is a basic sport. Supposing you want to be a good football player or hockey player, unless you run 100 meters in 11 seconds, 11.5 seconds, you can't be a good soccer. So, ye acha hai. So, it's a wide field. एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ आपसे कि हर एक आदमी पॉलिटिशियन का ड्रीम होता है, सुरेश कलमाडी का कोई सपना है, क्या सपना है आपका? मुझे मेरा सपना एक है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुका है, एंड अ गुड कॉमनवेल्थ गेम्स विल लीड टू अ ओलंपिक बिड, एंड आई एम ओनली wanting this country is देश में कैसे ओलंपिक्स आएगा, ये मेरा ड्रीम है और वो लाने की जरूर मैं कोशिश। कब होना है वो ओलंपिक? 2020 के लिए उसके लिए बिट करेंगे आप? तो सुरेश कलमाडी का सपना ये है कि 2020 ओलंपिक हिंदुस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल, आपको हमारी शुभकामनाएं, और उस ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स भी हमें मिले, वो यही आपका सपना है। आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।